हाँ बाढ़ आ था यहाँ ले अटकरे दाब लेते तो कहाँ ना के सकी वो पार के बाढ़ उम्र दुठन नर जुड़ी सिने सकी वो पार दुठन नर की आते तो ज्यादा हो नासी तो कई ठन हवा है दोनों ठन नर की मिलते नहीं तो ज्यादा हो। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला जहाँ विकास के पहिए बहुत धीमी गति से चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि अभी तक ब्लॉक मुख्यालयों से महज 20 से 22 किलोमीटर दूर के गांव में भी सुविधाओं में लचर व्यवस्था बनी हुई है और सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं के लिए कई विशेष योजनाएं चलाने के बाद भी मुख्यालयों के पहुंच के नज़दीकी गांव के नालों में पुल तक नहीं बनवा पा रही है। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं पंडरिया जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डाला महुआ के आश्रित ग्राम भैंसा डबरा के मोहल्ला भद्रा टोला में विगत कई वर्षों से निवासरत 20 से अधिक परिवारों के 110 से अधिक बैगाओं की समस्या के बारे में, जिनकी जिंदगी भद्रा टोला और डाला महुआ के बीच रास्ते में पड़ने वाले एक नाले ने प्रभावित कर रखी है। 40 साल बीत जाने के बाद भी आज तक खुदुर नाम के इस नाले में कई बार मांग के बावजूद पुल नहीं बन पाया है। बैगा साथीगण बहुत परेशान हैं, उन्हें इसी वजह से स्कूल बाजार जाने खेती मजदूरी में जाने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के लाभ से वंचित हो जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में सीने से ऊपर तक आने वाली बाढ़ इनके रास्ते में जान का जोखिम बढ़ा देती है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। भारी समस्या जाता है यहाँ आतन जातन था पुल में नहीं है पुल था लेके बच्चा मनी स्कूल जाते दिन पर छका जाते हैं सब मन छका जाते हैं पूरा मन गरुआ गाय आदमी हलक अरे आदमी के नाके के नहीं है तो कहाँ का नाला है का नाम है नाला खुदुर नाला का नाला खुदुर नाला तो वो नाला में कतेक साल से पुल नहीं बने हैं बहुत साल हो गए से अभी नहीं बने नहीं बने नहीं करे थे कोनो साधन नहीं कोनो करे ध्यान नहीं दे सत्य सरपंच मन कोई मन ध्यान नहीं देवे का दिक्कत जाते हो नाला में भारी दिक्कत जाते का का ता लइका मन स्कूल जाता है हम मन जाता है दुकान और भजर भुकार पर था ता सुई बाटल वाले मन नहीं आवे बाटल भी आ सके ना हम भी जाते एम्बुलेंस आ जाते नहीं आवे पानी कितना हरी थे बाढ़ थे बाढ़ था तो छाती भर रहा है कन्हिया भर रहा है पूरा तो कैसे करके नहाते कैसे करके नहाते हैं अंदर के मारे नहीं लगन हम तो दस की बड़ा नहीं लगन सकन तो माड़ी भर लतो वो ऊपर में जाथन गांव भैसरो बरा के रोड हवती है जाथन सही जाथन तब पर डाला मोहजा के सुई लगवा के आथन वही डार पर हमार माई के हवा था वही डार सुई बटा लगवा के आथन मैं ज्यादा हो जाता है तो दर भुकर वाले नहीं सकन जाए ला तो ओला हम बला के नान था दूसरा आदमी नान था बला के बोला तो रेंगे ताते अभी फिर बरसात आने वाले है हाँ तो बरसात के आज तक आप क्या चाहते हो वो जो नाले है पुल बन जाना चाहिए हाँ बन जाना चाहिए पुल बन जाती तो लाइक बतन के सब के साधन रहती तो जाएगी पुल बन जाए तो क्या का फायदा हुई ज्यादा फायदा रही हम राय जाए के सब के आना जाना हम उमा गरुए बच्चे नक के आदमी के आए जाए के सबके रही गाड़ी घोड़ा के सबके रही। बैगा आदिवासियों का यह भी कहना है कि एम्बुलेंस की सुविधा ज्यादा दूर नहीं है और नजदीकी 10 किलोमीटर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन इस खुदुर नाले में पुल नहीं बन पाने की वजह से कोई भी बड़ी गाड़ी हमारे मोहल्ले में नहीं आ पाती है। कई बार मांग के बाद भी अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमें समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। बरसात में विकट बाढ़ आते गए नक नहीं सके कहूँ 8 दिन के बारिश हो गए तो 8 दिन ले बंद है रसदा हमार लड़को नहीं जा सके फिर स्कूल 8 दिन तक ले पानी गिरी तो कहाँ लड़का ले स्कूल भेज देगा वैसे हालात में क्या करते हैं वैसे हालात में लड़के घरे में रहते हैं नहीं जा सके तो बीमारी मार पड़ गए गाँव बीमारी मार पड़ गए गाँव में तो कहाँ बहुत तकलीफ जाते हैं गाड़ी आ सके ना घोड़ा आ सके ना डबल पही है यहाँ गाड़ी चल सके ना कुछ नहीं फिर कैसे करते अब कैसे कर फोन ओन कर थन तक जनाते हैं तब सुई पानी है गाँव में करवा ले थन कैसे कर वो बोलो भाई अब गाड़ी से नहीं आ सके था कोई बताए हो समस्या लेके पुल के ना तो अब सरपंच सचिव ला सब ला बता दा रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं हाओ हाओ बस कत हैं वोट मांगे घरी में घर में आते हैं कहाँ रहे खेत में रहे तो खेत में जाते हैं अब उन समस्या है वही समस्या है कहबे तब हम ध्यान ही नहीं दे हाओ हाओ बस कत हैं कहाँ
फिर वही के वही चुपे चलते हैं। इस समस्या के जल्द समाधान के लिए गांव में सामुदायिक बैठक आयोजित की गई और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम आवेदन तैयार किया गया है और तैयार आवेदन को समुदाय के साथ कार्यालय विजिट कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप में स्टोरी लिखकर शेयर की गई है और ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराई गई है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी समस्या का जल्द समाधान हो और इनका हल निकले तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया जिनका नंबर है 8319077327 इन नंबर पर फ़ोन करके इन्हें समस्या से अवगत कराएं ताकि जल्द ही बैगा साथियों के सड़क की समस्या का हल निकल सके। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से मैं नर्मदा प्रसाद इंडिया अनहर्ड के लिए।